हाय गुड मॉर्निंग। तो ये देखो यहाँ पे सुबह का मौसम, आज 10 तारीख है और सुबह के 7:30 हो रहे हैं। और ये देखो क्या तूफान आ रहा है। ये रहा मैक्स, ये भी मज़े ले रहा है हवा के। और ये देखो बहुत तेज़ आंधी सी आ रही है। सब कुछ सामान जो है ना इधर से उधर उड़े जा रहा है। हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो ढंग से, बट फिर भी कोशिश करूँगी आवाज़ आ जाए आपको। ये देखो बादल कितनी रफ्तार से चल रहे हैं आगे। ये उड़ के नहीं गई है, ये सो के गई है। ये देखो तूफान, भाई साहब बहुत ठंड लग रही है, बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत तेज आ रहे हो बेटा। और मेरी मम्मी घास लाने गई है, ऐसे में भी घास लाने गई है। चील के पेड़ देख रहे हो कैसे हिल रहे हैं ऊपर जंगल में। चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो तूफान सुबह आया था इसने क्या क्या नुकसान किया है। ठीक है, वो देखो सबसे पहले हमारा गेट टूट गया है। खैर ये गेट लोहे का नहीं था, लकड़ी का था, ऐसी टेम्पररी था, बट इतना कमज़ोर नहीं था कि ऐसे ही टूट जाए, बट तूफान इतना तेज़ था कि क्या करें। और ये रहा ऊपर का नज़ारा जंगल का, तेज़ हवा चल रही है अभी भी, चील देख सकते हो आप थोड़ी सी, कैमरा में उतनी हिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है शायद, बट हवा चली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गेहूँ को कितना नुकसान हुआ है। ये देखो अभी जैसे यहाँ यहाँ पे ठीक है, आगे आगे ये ढल गई है गेहूँ, मतलब मुड़ गई है ये इधर उधर। थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देख रहे हो जैसे ये ढल गई है ना, वैसे ही बीच बीच में खेत खेत में वहाँ सामने की साइड, वो देखो वो उधर वाली पूरी ढल गई है नीचे को। उस वाले ऊपर वाले खेत की फिर भी थोड़ी ठीक है, लेकिन इस वाले खेत में बहुत बुरे हाल हो गए। जैसे ये इसके हुआ है ना धनिए के, वैसे ही बीच बीच में गेहूँ भी ख़राब हो गई है। और थोड़ी देर के लिए मौसम ठीक हुआ है, ठीक इन द सेंस मतलब बारिश रुकी है, तो चिड़िया भी चहचहा रही हैं अब। ये देखो आसमान, और सामने ना ये चील का जंगल है, ये भी तो हवा की आवाज़ मैं तो सुन पा रही हूँ, तेज़ हवाओं की। ये देखो ये सुबह सुबह ना पूरी खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि सुबह जो तूफान चला था ना उससे खिड़कियाँ ठक ठक बहुत ज़्यादा बजना शुरू हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का तूफान आया है। तो ये 10 तारीख है, मतलब आज 10 मई है, आज है मदर्स डे। तो हैप्पी मदर्स डे सारी माओं के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग मैं आज ही एडिट करूँ और आज ही अपलोड कर पाऊँ अगर लाइट आ गई तो, क्योंकि मेरे इस फ़ोन में जिससे मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ इस फ़ोन में बैटरी लगभग 25% के करीब है। अगर इसमें एडिट हो गया तो मैं आज ही डाल दूँगी। वैसे मैंने मदर्स डे वाला जो है व्लॉग वो भी डाला है, बट मैं देखती हूँ कि मैं ये डाल पाऊँ। और इसके बाद कोई भी इसके आगे का मतलब अभी व्लॉग नहीं आएगा। मेरे पिछले के जो भी व्लॉग कैप्चर किए हुए हैं ना 7 तारीख से पहले के जो व्लॉग्स मैंने शूट किए हैं वो मैं डालूंगी, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट करके रखे थे, बट फिर बीच में ये मदर्स डे वाला आइडिया आ गया, फिर नीरज की क्लिप आ गई, तो मैंने अपना व्लॉग जो मैंने कैप्चर किए थे उनको छोड़ के पहले ये वाले डाल दिए। तो मैं वो व्लॉग भी आप देख लेना, वो जो व्लॉग है मतलब आप जो पिछले मैंने पहले से शूट किए हुए हैं जिसमें मैंने हिमाचल की रेसिपीज वगैरह पहले से कैप्चर करके रखी है वो मैं डालूंगी। और कल शाम के टाइम मैं कहीं गई थी तो उसकी जो क्लिप है वो भी मैं अभी यहीं पे ऐड करने वाली हूँ, तो वो भी आप इन्जॉय करना। और तो आप वो देख लो, वो कल शाम की क्लिप है मतलब कि 9 तारीख की। और ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ ये 10 तारीख की सुबह का टाइम हो रहा है अभी, 9:30-10 कुछ ऐसे टाइम हो रहा है। तो चलो आप इंजॉय कर लो उस क्लिप को।
मम्मी तेरे चाकू रे तो सब फैन हुई गए थे, तेरे चाकू रे सारे फैन हुई गए थे, चाक लगाए रखते जो सिरों दे अपने, ये आंटी क्या लगा रखते हैं सिर में, मतलब ये चाकू हमारे लगा हुआ है। चल इतनी जी सेट देने, अच्छा अपने क्या करना रोके, यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरे गांव की तरफ और ये रास्ता है यहाँ का जो मनरेगा के थ्रू बना है, अदरवाइज यहाँ से बहुत ही पगडंडी से जैसा रास्ता था, पथरीला सा रास्ता था, क्योंकि आई थिंक एक बार मैं आपको शादी में लेके गई थी, यहाँ ऊपर एक शादी थी तो उस टाइम देखा होगा आपने, रास्ता बहुत ही खराब था। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 4 बजे से और आज है 9 तारीख यानी कि 9th of May। तो अभी जैसा कि आपने रास्ता देखा वहाँ से मैं एकदम टॉप पे आ गई हूँ और ये जो ऊपर घर दिखाई दे रहे हैं इसके साथ ही है वो मंदिर जो मैंने कल तो नहीं, आपको ये व्लॉग काफ़ी दिन के बाद मिलेगा, जो मैंने एक उसमें दिखाया था व्लॉग में ना कि वहाँ पर वो रणसिंह का बज रहा था शाम के टाइम, तो बिल्कुल एकदम वहाँ पे टॉप पे पहुँच गई हूँ मैं। तो ये घर है पीछे, इसके पीछे की तरफ है मंदिर, तो फिलहाल मंदिर में तो नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे आए हैं घास लेने के लिए। बान जिसको बोलते हैं ना, बान एक पेड़ होता है, मैं दिखाऊंगी आपको, उसके पत्ते ऊपर की तरफ से हरे होते हैं और नीचे की तरफ से सफ़ेद होते हैं, उसको बोलते हैं बान। और कैमरा को थोड़ा सा दूर रखती हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आपका फेस बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो एक्चुअली ना मैं वो ट्राईपॉड छोटा वाला लाना भूल गई हूँ, अपना बड़ा वाला ही है तो फिर उसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ। ये देखो घास ही घास है और अक्सर ऐसी झाड़ियों में ही तेंदुआ होता है, लेकिन दिन के टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि दिन में ये होता है कि लोग मतलब चलते फिरते रहते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट रात के टाइम ये जो ये जैसे ये है ना यहाँ पे, इन सब घास फूस में से जाना बहुत रिस्की है, तो कई बार दिन में भी होता है, ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं होता है, बट एक्चुअली क्या होता है आजकल जैसे गाय और जो बैल होते हैं उनको चरने के लिए नहीं छोड़ते हैं ना जंगल में, तो तेंदुआ उतना ज़्यादा आता नहीं है उसको, मतलब इतना जल्द पता होता है कि हाँ आजकल पशु नहीं आ रहे जंगल में, अदरवाइज जब गाय और उनको बछुओं को चरने के लिए छोड़ते जंगल में तो तेंदुए का आतंक थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो दिन दिहाड़े ही मतलब अपना शिकार कर लेता है, तो ये रहता है। तो चलो थोड़ी देर के बाद करती हूँ मैं आपसे बात। तो ये रही मेरी मम्मी जो इस पेड़ पर चढ़ गई है, यहाँ से ये है बान का पेड़, इसके पत्ते मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी लेकिन अभी एक बार ये कट के नीचे आ जाए क्योंकि जो आधा कटा ये कल लेके गए थे और ये जो बचा है इसको हम आज लेके जाएंगे,
तो ये रहा वो बान का पेड़, मतलब इस तरीके के होते हैं इसके पत्ते, ऊपर से हरे होते हैं और नीचे से सफेद होते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको गांव सा दिख रहा था नीचे, वो हमारा गांव था, वो मैंने काफ़ी हाइट से कैप्चर किया था, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अब घर पे, ये हम लेके आए हैं। तो ये हम लेके आ गए हैं यहाँ पे बान, इनको बोलते हैं बान। अब ये मत सोचना कि हम जंगल से लेके आए हैं, ये हमारी अपनी जमीन में था, मतलब जिनसे हमने खरीदा उनकी जमीन में था, खरीदा नहीं मतलब ऐसे ही उन्होंने बोला था कि ले जाना, तो वो ये उनकी अपनी जमीन में था, वहां से लेके आए। अगर जंगल में होता तो हम नहीं काट सकते थे इसको, जंगल में बैन होता है आई थिंक। तो चलो अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो मैं बैठ गई हूँ बाहर और आज हम बना रहे हैं पनीर जो कि मैंने धो लिया है, और मटर जो कि यहाँ पे रख दिए हैं, और ये रहा कुकर, चलेवा दे दिया, इसमें आग जल गई है। और अब हम करेंगे इसके तड़के की तैयारी, मसालदानी तेल ये सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया। टमाटर नहीं है हमारे पास तो हम टमाटर डालेंगे भी नहीं, और हम मैं और पापा थोड़े से वो है पत्थरी के पेशेंट, तो हम लोग टमाटर नहीं खाते वैसे भी। ये रहा प्याज लहसुन और हरी मिर्च, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे हम, कोई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से नहीं बनाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो चलो फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगी वैसे भी, जैसे भी बनाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे अब इसको बनाते हुए, क्योंकि अभी कुकर को गर्म होने में टाइम लगेगा और फिर तेल को गर्म होने में भी टाइम लगेगा। पर सारा ये देखो मटेरियल यहाँ पे सारा रेडी है, सब कुछ रेडी है। पनीर हमने चढ़ा दिया, कुकर बंद कर दिया ढक्कन, बस अब ये पक जाएगा और रेडी हो जाएगा। तड़का हमने लगा दिया है, है? फ्रंट कैमरा वो एक गतवाते क्या बैक कैमरा ये क्या बात होती है, क्या बात होती है मतलब। तो चलो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज मेरे को इसने आइडिया दिया है कि एम मतलब एक टारगेट बताना कितने लाइक्स आएंगे, तो 1000 लाइक्स तो दे ही देना यार, 1000 लाइक्स का ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो जो भी आए वो लाइक जरूर करना, धुआं बहुत लग रहा है यहाँ से। तो चलो फिर बाय।